अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइस्ता और आप देख रहे हैं नायस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश फ्राई, जो बहुत टेस्टी होती है और बहुत आसानी से बन जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फिश फ्राई बनाने के लिए यहाँ मैंने 300 ग्राम मछली लिया है। ये बासा मछली है, आप कोई सी भी मछली का इस्तेमाल कर सकते हो। मछली को फ्राई करने के लिए हम मसाला तैयार करके लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, उसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चावल का आटा, हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, हाफ टेबल स्पून नींबू का रस, 2 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क। ये मिल्क मैंने मिक्सी में खोपरे को पीस के और इसका मिल्क निकाल के लिया है, वो 2 टेबल स्पून डालेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। देखिए मिक्स करने के बाद मसाला थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसीलिए इसमें 1 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क और इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से मिक्स करके लेंगे। मसाले को अच्छे से मैंने मिक्स करके लिया है। अब हम इसे फिश को अच्छे से कोट करके लेंगे मसाले में। मछली के पीसेस पे मैंने मसाला लगा के लिया है। अब उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन होने के लिए फ्रीज में रख देंगे। मैंने मछली को फ्रीज में रखा था मैरिनेशन के लिए 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो गया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने तेल लिया है। मैंने यहाँ राई का तेल लिया है। राई के तेल से मछली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने फ्लेम मीडियम कर लिया। मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट एक तरफ फ्राई करेंगे और फिर हम इसकी साइड चेंज करके देंगे। एक तरफ फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गया, अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। दो से तीन मिनट दूसरी तरफ भी मैंने फ्राई करके ले लिया है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे टिश्यू पेपर से निकाल के लेंगे। ऐसे ही हम सभी मछली को फ्राई करके लेंगे। फिश फ्राई हमारी बनकर तैयार है। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनी हुई है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो और रोटी के साथ भी खा सकते हो। रोटी के साथ ये और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिए। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 1 टाइम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।